तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं पैक कर रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो, पहले तो ये एक लेके जा रहा हूँ मैं, ये क्या है, ओरिजिनल मिल्क है एक्चुअली ये भी, और ये भी एक्चुअली स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, और साथ में एक पानी का बॉटल, और ये सारे जो है मैं लेके जा रहा हूँ स्नैक्स लंच करने के लिए, और ये बहुत ही हेल्थी है, और बहुत ही, देखिए ना इसमें क्या लिखा है, पोर्क मेयोनीज एंड क्रैप, एक केक है और एक बनाना है, और एक बनाना आपको यहाँ पे 7 या 8 थाई भाट का मिल जाएगा। एक पानी बॉटल ले लिया, और यहाँ पे कुछ और ब्रेड्स थे जो आपके सॉसेज के साथ था, ये भी मैं पैक कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेके जाता हूँ, इतने सारी चीज़ें बहुत इनफ होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी खाना है, तो ये लेकर जो है मैं जा रहा हूँ। अरे वो जो कैब ड्राइवर है मुझे एक्चुअली यहाँ पे बुलाने आ गया मैं रूम पर, और उसको मेरी डिटेल्स एक्चुअली पता थी, तो मुझे रूम पर बुलाने के लिए आ गया, और मैंने उसको बोला कि 2 मिनट दो मैं आ रहा हूँ, तो वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ नीमो स्नॉर्कलिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया से आइलैंड में। अरे दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं, और पीछे ही जो है समुंदर है, पूरा ब्लू कलर का समुंदर है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गया है कि ये नहीं लेके आया सनस्क्रीन। यहाँ पे ये लोग इतने गोरे हैं फिर भी लोग जो है सनस्क्रीन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जगह तो अल्टीमेट है, और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे गाइड का, और मेरे साथ वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आई थिंक 6-7 लोग जाएंगे हम एक साथ, और वहाँ का जो पानी है वो पूरा ब्लू है जो आपने ऑलरेडी देखा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए किसी का लाइट ग्रीन है तो किसी का ब्लू है, और आपको ये रेड भी दिखने को मिल जाएगा, इसका मतलब वो सारे अलग अलग कलर्स के हैं। तो मैं तो ग्रीन में हूँ, यानी कि मुझे ग्रीन कलर कोड के साथ रहना है, मतलब ये सारी चीज़ें ले लिया है और जा रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड और नॉट नर्वस, देखते हैं आगे जाकर।
plutonium free. हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ ये बीच में और इतना साफ पानी है माइकोट। ये एक्चुअली पटना से बहुत बहुत दूर है, तो हम लोग को आने में एक घंटा लग गया। और देख सकते हो वाइट सैंड है और पानी तो बिल्कुल बिल्कुल ब्लू है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए सबने शुरू कर दिया, मैं गोपुरो लेके अभी जाऊँगा अंदर और फिर देखेंगे। वाह यार, ये तो पहना ही नहीं जा रहा है, तो जाना है पे। I can't, इसे नहीं कर सकते, इसको पहन लेते हैं। उनको पूछा कैसे पहनना है। दोस्तों ऑलमोस्ट 40 मिनट स्पेंड करने के बाद यहाँ से अभी हम लोग सीधा जा रहे दूसरे आइलैंड पर, जहाँ पे नीमो स्नॉकलिंग है। अब तो स्कूबा डाइविंग होगा, वो आपके हिसाब से है, आप क्या करना चाहते हो। मैंने थोड़ी बहुत स्नॉकलिंग की थी लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती और पानी का जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मीन डेप्थ। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, यहाँ पे इतने मछलियाँ हैं, इतने वैरायटी ऑफ फिश है दोस्तों, मैं तो देख के पागल ही हो गया था। अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया लाइफ जैकेट के साथ तो अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऊपर से ही बहुत सारी मछलियों को देख सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों इस बोट में सभी को स्विमिंग आती है सिवाय मेरे, तो सभी लोग जो है नीचे गए थे। दोस्तों अभी इस जगह का आप नज़ारा देखिए, इतना अल्टीमेट जगह है ना।
आ गया घूमकर और उसी जगह पे इन लोगों ने आके हम वापस रखा। और अभी जस्ट मैं नहा कर थोड़ा फ्रेश होकर आया, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है कि मतलब आप जब भी आते हो उसके बाद आपको जो है थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए। तो अमेजिंग लगा, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप वीडियो देख के आप समझ ही रहे हो ना कि कैसे जगह से मैं आया हूँ। तो इट्स रियली नाइस। अगर कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो ये नीमो वाला जो है आपको करना ही चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे पूछिए, मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ। और इनकेस अगर आप खाना लेकर नहीं आते हो या भूल गए, तो आपको यहाँ पे एक शॉप भी मिल जाएगा जहाँ पे ये लेकर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको और जो रीज़नेबल भी होगा, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो और आकर भी खा सकते हो। तो प्राइस भी देख लीजिए तो रीज़नेबल ही है। तो अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं, बैठ चुका हूँ गाड़ी पे और बहुत लोग नहीं आए हैं, खाली है। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। मैं एक्चुअली बहुत टायर्ड हूँ, अभी सोच रहा था कि मैं जाकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाऊँगा और कुछ चीज़ें देखूँगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ता है, मैंने कंपेयर किया था। बट आई थिंक मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, सो जाऊँ या कल से बैंकॉक के लिए निकलना है मुझे सुबह। तो फिर लेट्स सी क्या कर सकते हैं।